मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करना चाहते, इनका जो अंतर कलह चल रहा है उसको ये सॉर्ट आउट नहीं करना चाहते, तो इससे नुकसान किसको हो रहा है? राजस्थान की जनता का हो रहा है। हर पंचायत में जो शुद्ध जल पहुंचाने की योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की है उस पर केंद्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, पर राज्य में जो सरकार की भागीदारी उसमें होनी चाहिए वो इतनी ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रही। ये क्या राजस्थान में सरकार मुझे लग नहीं रहा है कि किसी भी काम में कोई ज़्यादा इनको रुचि है या ये करना चाहते हैं। सारी चीज़ें जो कमियां हैं वो राजस्थान सरकार के ही पार्ट में जो कमियां हैं उनकी कमी है, हमारे केंद्र से कोई कमी नहीं है। केंद्र से योजना का पूरा पैसा राज्य को मिलता है, राज्य वो नीचे तक पहुँचाने का काम राज्य का होता है, लेकिन राज्य वहाँ पर कमी उनकी रहती है, वो पूरी तरह से जैसे करना चाहिए वो नहीं। ये है कि कांग्रेस को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। जिस तरह से देखो, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जैसे उन्होंने 2.5 साल बिल्कुल ही कुछ भी नहीं किया, विकास के नाम पे एक भी काम नहीं किया, महिलाओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, हमारे हर वर्ग के व्यक्ति पे आपने देखा होगा दुष्कर्मे, राजस्थान नंबर 1 की पोजिशन में आ गया है, शर्म की बात। तो ये क्यों हो रहा? क्योंकि ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करना चाहते, इनका जो अंतर कलह चल रहा है उसको ये सॉर्ट आउट नहीं करना चाहते, तो इससे नुकसान किसको हो रहा है? राजस्थान की जनता का हो रहा है। तो इसको ये इनको जल्द से जल्द इसका इनको कोई ना कोई सलूशन निकालना चाहिए। मैं तो सिर्फ यही निवेदन करूँगी, मैं तो उनको ही निवेदन करूँगी, आप अपने जो भी अंतर कलह चल रहा है उसको सॉर्ट आउट कीजिए। हर पंचायत में जो शुद्ध जल पहुँचाने की योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की है उस पर केंद्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, पर राज्य में जो सरकार की भागीदारी उसमें होनी चाहिए वो इतनी ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रही। उसका भी जो उद्घाटन होना चाहिए, जो जिस फुर्ती से वो काम होना चाहिए राजस्थान में, वो भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या राजस्थान में सरकार मुझे लग नहीं रहा है कि किसी भी काम में कोई ज़्यादा इनको रुचि है या ये करना चाहते हैं। मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाला जो काम है वो जल्द से जल्द हो, मेरे लिए ये प्राथमिकता का काम है, टॉप प्रायोरिटी है। इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी होगी आगे आने वाले समय में। एक बार सर्वे सैंक्शन हो जाएगा उसके बाद लैंड एक्विजिशन का काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है, उस पर मैं स्टेट को ज़रूर कहूँगी कि उसमें भी वो जल्दी करें, क्योंकि जो भी कमी होगी तो स्टेट के ही पोर्शन पे होगी, उन्हीं की जो कमी रह जाएगी। हम लोग तो हमारी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो अलाइनमेंट नहीं तो नई अलाइनमेंट से ये काम होना। हम लोग देखिए केंद्र सरकार की ओर से कोई रुकावट नहीं है, वहाँ से पैसा आता है, लेकिन राजस्थान सरकार उसका जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी राजस्थान सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनकी तरफ से पूरी तरह से कमियां हैं। उनके अधिकारी भी जहां भी जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाओ हर जिले में अधिकारी नहीं है। जैसे DMFT का पैसा है, DMFT की मीटिंग्स रेगुलरली होनी चाहिए, वो अब होना शुरू हुई है, इससे पहले तो वो मीटिंग्स भी रेगुलरली नहीं हुई। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।